नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, दमोह जिले में लगातार हादसे हो रहे, सड़क हादसे। आज भी एक हादसा सामने आया है जहां पर नोहटा में ट्रक और आर्टिका की भिड़ंत हुई है। दरअसल ये पूरी घटना जो है नोहटा हाई स्कूल के सामने की है। नोहटा में शनिवार की सुबह करीब 6 बजे हाई स्कूल के पास दमोह से जबलपुर जा रही आर्टिका गाड़ी को रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि आर्टिका कार का सामने का हिस्सा जो है पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि आर्टिका कार चालक की जान तो बच गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, सिर्फ चालक को ही मामूली चोटें आई हैं। नोटा 100 डाल के पायलट अजय हरवान ने बताया है कि आर्टिका कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से कार चालक को मामूली चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोएडा में उपचार हेतु भेजा गया है। ट्रक क्रमांक RJ27GD1587 सीमेंट बनाने का मटेरियल लोड करके दमोह की ओर जा रहा था। वहीं आर्टिका गाड़ी क्रमांक UP78DT3030 जबलपुर की ओर जाते वक्त अचानक नोएडा हाई सेकेंडरी स्कूल के सामने ये खतरनाक हादसा हो गया। और कार चालक ने बताया है कि ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था। ट्रक बहुत ही रफ्तार से रॉन्ग साइड जा रहा था और अचानक से टक्कर मार दी। बहुत ही दुखद और शर्मनाक ये हादसे हो रहे हैं। दमोह जिले में लगातार हादसे हो रहे हैं और तेज रफ्तार जो है और नशा जो है इन हादसों की मुख्य वजह बन रहा है।